से कुछ खास और अहम खबरें, और बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। तो विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इस विधेयक से दिल्ली में कुछ अनधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल के लिए सुरक्षा दी जाएगी। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। तो इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि कुमार हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात ऋषि, क्या कुछ रहेगा आज संसद की कार्यवाही में और ये जो दिल्ली विधेयक है ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जहां तक शीतकालीन सत्र है उसका ये आठवीं सप्ताह बचा है और सरकार ने तमाम विधायी कार्यों को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है उसमें बेहद महत्वपूर्ण विधेयक अगर हम देखें तो जो सीआरपीसीआई संबंधित जो विधेयक है उसको पारित किया जाना है। और इसको अगर हम देखें तो लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसको चर्चा और पारित करने के लिए इसको सूचीबद्ध किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इसमें जो पूरी हमारी न्याय संहिता है उसमें बदलाव है और जो हमारे कंसेप्ट अब तक रहे हैं कि हमारी जुडिशरी सिस्टम को किस ओर और किस दिशा में और किस फोकस पे काम करना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा पहलू यही है कि हम दंड की बजाय न्याय की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। और आज भारत में जब हम 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और उसके बाद एक विकसित राष्ट्र बनने की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हमारे पास जो हमारी न्याय प्रक्रिया है वो भी दुरुस्त होनी चाहिए और न सिर्फ दुरुस्त होनी चाहिए वो पूरी तरीके से इंडिजिनियस होनी चाहिए। तो अंग्रेजों के बनाए हुए तमाम कानून थे जिनको अब एक तरीके से उनकी पुनः समीक्षा की जा रही है और न सिर्फ समीक्षा बल्कि इस पर तमाम जो राय शुमारी है वो की जा चुकी है, तमाम संसदीय चाहे उनके माध्यम से इसको स्क्रूटिनाइज किया गया है। तो इस मामले में ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, तीन विधेयक एक साथ सदन में लाए जाएंगे और उनको पारित कराया जाना है जी। तो इसको लेकर सरकार ने बहुत पहले से प्रयास करने शुरू कर दिए। जहां तक अन्य विधेयकों की बात करें तो राज्यसभा में जो अनुपूरक मांग संबंधित है संख्या 3 और 4 इसको लोकसभा में वापस भेजना है चर्चा करने के बाद। और इसके अलावा तमाम दृश्य के आपने विधेयक बताए जिसमें कि जीएसटी से संबंधित है, दिल्ली से संबंधित है, ये विधेयक भी सूचीबद्ध किए गए। लेकिन जिस तरीके से कल का जो पूरा का पूरा प्रदर्शन रहा है उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके का माहौल सदन में रहता है, क्योंकि बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसद निलंबित हुए और बार बार सदन में जो चेयर है उनके द्वारा आग्रह करने के बावजूद भी जब उन्होंने कार्यवाही को शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया तो ये जबरन ये कार्यवाही उनके खिलाफ करनी पड़ी जी। और ऋषि देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि कहीं ना कहीं विपक्ष रणनीति ये अपना रहा है कि शोर शराबा किया जाए और इस शोर शराबा की वजह से ही करीब 92 सांसद जो हैं विपक्ष के वो निलंबित हो चुके हैं। क्या ये माना जाए कि आगे भी इसी तरीके की रणनीति विपक्ष अपनाएगा? क्योंकि अगर इस तरीके से चीजें चलेंगी तो संसद का जो विधायी कामकाज है वो पूरा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। देखिए, जहां तक विपक्ष की रणनीति की बात करें तो निश्चित तौर से जब से संसद में ये घटना हुई है जी इस पूरे मसले पर विपक्ष एक तरीके से सरकार को घेरने की जो कवायद शुरू की थी उसको वो और आगे बढ़ाने के लिए जब आगे शोर शराबा और हंगामा करता हुआ नजर आता है तो ऐसे में जो कार्यवाही होती है उससे ये भी संकेत मिल जाता है कि सरकार इस मसले पर किसी भी तरीके से अपने आप को कमजोर नहीं मानती है और उनका जो पक्ष है वो मजबूत है। और इसी वजह से सदन में जब बार बार हंगामा शोर शराबा करते हैं और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से प्रस्ताव रखा जाता है कि इस पर कार्यवाही होनी चाहिए और सदन इसको स्वीकृति भी देता है
तो ऐसे में विपक्ष को समझ जाना चाहिए कि सरकार की लोकचा क्या है, क्योंकि ऐसे में जो कामकाज है और जो उनकी प्राथमिकता है वो स्पष्ट है। और इस सब पूरे के पूरे मामले में कल हमने देखा था राज्यसभा में भी जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए, और कोशिश की जा रही है कि आज भी जो महत्वपूर्ण विधेयक है उनको पारित कराया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि न्याय संहिता से संबंधित जो विधेयक है ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है, और सरकार की पूर्ण कोशिश होगी कि इस पर कम से कम चर्चा, और इसके लिए पहले ही 15 घंटे का समय रखा जा चुका है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण विधेयक का क्या बिल्कुल ऋषि, देखिए हमने देखा भी है सरकार की जो कोशिश है वो है कि कानून का शासन हो और न्याय प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सही न्याय जनता को मिल सके, लोगों को जो कि न्याय की के लिए कोशिश करते हैं उनको न्याय मिल सके। तो उस दिशा में कई कानूनों को और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी और उस पर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उसी प्रयास के तहत ये कानून बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कानून न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि एक तरीके से हमारी जुडिशियरी सिस्टम और न्याय व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट है। हम कह सकते हैं कि इसके बाद जो न्याय की संकल्पना है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हम देखते हैं कि तमाम ऐसे मामले होते हैं जिसमें कि लोग जेलों में बंद है, उनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है, तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसको सरकार चाहती है कि उसको नियमबद्ध किया जाए, और खासतौर से महिलाएं और बच्चियों के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन अपराधों को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का जो विधान प्रक्रिया है उसको मजबूत करने का ये जो संकल्प इन तीनों कानूनों के माध्यम से है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके से जुवेनाइल क्राइम और जो फीमेल क्राइम होते हैं उस तरीके के क्राइम के लिए बार बार सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोशिश की है, और भी हमने हाल ही में देखा है कि सरकार ने 3 वर्ष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की सीमा बढ़ाई है। लेकिन इन सब कानून के बनने के बाद किसी भी तरीके की सरकार की बढ़ाने की सीमा की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ा करेगी, क्योंकि ये कानूनन प्रक्रिया होगी, और कानूनन प्रक्रिया जब हमारी मजबूत होगी तो न सिर्फ राजधानी की देश की राजधानी से लेकर देश के छोटे से गाँव तक न्याय व्यवस्था भी और ज्यादा मजबूत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी नज़र बना के रखिए, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद ऋषि हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों से अपडेट साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं।